मनुष्य स्वभावतः पापी है और मुसलमानों के ऊपर अनिवार्य है कि यदि वह गलती में पड़ जाएं तो तौबा करने और माफ़ी मांगने में शीघ्रता करें। सर्वशक्तिमान अल्लाह के समक्ष जब उसका कोई दास तौबा व पश्चाताप करता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। हदीस में वर्णित है कि बंदा के तौबा करने पर अल्लाह ताला को उस व्यक्ति से भी अधिक प्रसन्नता होती है जो अपनी सवारी निर्जन भूमि में खोने के पश्चात दोबारा पा लेता है। मुसलमानों को एकांतावास के पापों से डरते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने उन लोगों की निंदा की है जो अपने पापों को लोगों से छुपाते हैं परंतु अल्लाह से नहीं छुपाते। अल्लाह ताला फरमाता है, वो अपने करतूत लोगों से छुपा सकते हैं तथा अल्लाह से नहीं छुपा सकते, और वह उनके साथ होता है जब वो रात में उस बात का परामर्श करते हैं जिससे वो प्रसन्न नहीं होता, तथा अल्लाह उसे घेरे हुए है जो वह कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकांतावास के पापों से सावधान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत में ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन तिहामा के पहाड़ों के समान पुड़ लेकर आएंगे, परंतु अल्लाह ताला उनको वायुमंडल में उड़ते हुए कण के समान बना देगा। सौबान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, उन लोगों के विषय में हमें बताइए एवं स्पष्ट रूप से खुलकर बयान कीजिए ताकि अज्ञानतावश हम उनमें से ना हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह तुम्हारे भाइयों में से ही हैं तथा तुम्हारे समुदाय से हैं, वो भी रातों को उसी प्रकार से इबादत करेंगे जिस प्रकार से तुम लोग इबादत करते हो, किंतु वो ऐसे लोग हैं कि जब तन्हाई में होंगे तो हराम अर्थात वर्जित कार्य करेंगे। कुछ उपायों को अपनाकर मुसलमान अपने एकांतावास के पापों से छुटकारा पा सकता है, जैसे दुआ करते हुए अल्लाह के समक्ष झुके एवं गिड़गिड़ाकर उसका सहारा मांगे कि वह उसे पापों एवं बुराइयों से दूर कर दे। अल्लाह ताला की आज्ञाकारिता के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें, एकांतावास एवं तन्हाई से बचने का भरसक प्रयास करें तथा नेक एवं संत लोगों की संगत में रहने की चेष्टा करें। इस बात का ध्यान रखें कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है और यह कि अल्लाह उसके समस्त कर्मों से भली भांति परिचित है। मुसलमान ऐसा समझे कि उसे बुरा कर्म करते हुए वह व्यक्ति देख रहा है जिसका वो सबसे अधिक सम्मान करता है, ताकि मानवों के समक्ष ऐसा करते हुए जब उसे लज्जा आती है तो अल्लाह के समक्ष और अधिक लज्जा आनी चाहिए। हदीस में आया है कि जब तुझे अपने घर वालों के समक्ष कोई बुराई करते हुए लज्जा आती है तो अल्लाह से उससे भी अधिक लज्जा आनी चाहिए। मृतियों को याद करें कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पाप एवं बुराई को अंजाम देने की स्थिति में उसे मृत्यु आ जाए तो फिर वह अपने रब का कैसे सामना करेगा। उन चीज़ों का स्मरण करें जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखा है तथा जिन चीज़ों को पापियों एवं बुरे लोगों के लिए दंड स्वरूप तैयार कर रखा है। कितनी अच्छी बात कही है किसी कहने वाले ने कि जब तुम एकांत में हो तो यह ना कहो कि एकांत में हो, बल्कि यह कहो कि मेरे ऊपर निगहबान तैनात है, और यह ना समझो कि अल्लाह तुमसे एक क्षण के लिए भी गाफिल है तथा न ही कोई चीज़ उससे छुपी हुई है।